नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। उत्तराखंड में कोरोना वायरस महामारी के बीच शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर जहां राज्य सरकार के प्रतिबंधों पर तीर्थ पुरोहितों और पर्यटकों की नाराजगी जारी है, वहीं 5 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये 5 लोग दिल्ली से नैनीताल घूमने के लिए गए हुए थे, जिनकी कोरोना वायरस रिपोर्ट 3 अक्टूबर को पॉजिटिव आई। इन 5 लोगों के सैंपल लेकर एक दिन पहले ही दिल्ली में टेस्टिंग के लिए लैब भेजे गए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने इन 5 लोगों का पता लगाने के लिए नैनीताल प्रशासन से संपर्क साधा। वहीं इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे जिला अस्पताल के डॉक्टर के एस धामी ने बताया कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने मिली सूचना के बाद इन 5 पर्यटकों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक इन 5 पर्यटकों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। दूसरी तरफ दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने भी इन 5 लोगों के दिए गए मोबाइल नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में आए मौसम में बदलाव के साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों पर घूमने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले में आई गिरावट को भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पहले हफ्ते में ही इन दोनों हिल स्टेशनों के ज़्यादातर होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है। वहीं हिल स्टेशन आने वाले रास्तों पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। होटल वासियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि टूरिस्ट की बढ़ती संख्या कोरोना काल में हुए उनके नुकसान की भरपाई में काफ़ी मददगार साबित होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया वन इंडिया हिंदी के साथ।